press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. माई लाइफ किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। उसके लिए हमने देखिए मावा ले लिया है आधा किलो, मैदा हमने एक कटोरी लिया है, इसमें से हमें जितना लगेगा हम उतना लेंगे, और शक्कर आधा किलो, कलर, इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर हम एक पतीली में शक्कर डालेंगे, हमने आधा किलो शक्कर ली है, और इसमें पानी डालेंगे 3 ग्लास। डालकर हम इसकी चाशनी बनाएंगे। फूड कलर और इलायची पाउडर भी डालकर हम इसे चाशनी पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी चाशनी बनती है हम यहाँ पर गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। ये हमने मावा लिया है, अच्छे से इसे गूंद लेंगे, बेकिंग सोडा और मैदा डालेंगे, यहाँ पर हमने 3 चम्मच मैदा लिया है, लगेगा तो फिर थोड़ा सा मिला लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूंदेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर इसका आटे की तरह हम गूंद लेंगे। इसको एकदम सॉफ्ट भी नहीं करना है और कड़क भी नहीं रखना है। देखिए हमारा आटा मावा गूंद चुके हैं हमने, अब इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। इस तरह से हमें गोल गोल शेप में बनाना है, आप चाहो तो दूसरे शेप में भी बना सकते हो। सारे हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर हमारी चाशनी भी पक चुकी है और यहाँ पर हमने गैस पर घी डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। घी गरम होने पर एक एक करके हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। इस तरह हमें गोल्डन फ्राई करना है। यहाँ पर हम चाशनी में इसे डाल देंगे। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। और इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन रेडी है सर्व करने के लिए। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। Thank you.